तो दोस्तों इस समय ट्रक जो है मशीन में सारा मटेरियल डाल रहा है और मशीन जो है रोड में सारा मटेरियल बिछा रही है। ये मशीन आ गई है, इसके द्वारा जो है यहाँ पे मटेरियल डाला जाएगा और मटेरियल के बहुत सारे ट्रक जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। तो इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे रोड का काम जोरों से चला हुआ है और बहुत से वर्कर्स जो हैं यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। आया कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे जो हैं दोस्त लोग यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आजकल हमारे रोड का काम चला हुआ है और आज मेरे घर के पास भी रोड पक्का होगा, पर अभी यहाँ पे जो है मशीन खड़ी हुई है जिसके कारण जो है बस को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इस गाड़ी को थोड़ा साइड करेंगे, उसके बाद ये बस निकल पाएगी। तो अभी देखते हैं कितना का टाइम लगता है और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है रोड का काम होता है। तो अभी गाड़ी वाले भाई आ गए हैं, तो अभी गाड़ी साइड कर दी है, तो अभी देखते हैं बस निकल पाती है या नहीं। तो बस की कटिंग कर दी गई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक साइड पत्थर हैं और एक साइड मशीन है जिसके कारण जो है बस को निकलने में समस्या हो रही है। बहुत कंजस्टेड हो गया है, इस मशीन के खड़ने से बस को निकलने के लिए समस्या हो रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और इस साइड भी टायर पूरा पूरा आ रहा है, तो फाइनली बस जो है निकल चुकी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है बस को निकालना पड़ा। फाइनली दोस्तों लेबर जो है आ चुकी है, अभी थोड़ी देर में जो है रोड का काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस समय सारी मशीनें जो है तैयार की जा रही हैं। अभी आप लोग देख सकते हो इस साइड रोड रोलर खड़ा हुआ है और इस साइड जो है मशीनरी खड़ी हुई है और थोड़ी देर में जो है यहाँ से जो है रोड का काम शुरू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जब रोड का काम शुरू होगा हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे जो है रोड का काम किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो रोड का काम जोरों से चला हुआ है और तीन चार ट्रक में जो है मटेरियल आ चुका है और अभी आप लोग देख सकते हैं सारी मशीनरी तैयार हो रही हैं और तीन चार ट्रक आ चुके हैं। बताया जा रहा था कि सात आठ ट्रक आएंगे और अभी जोरों से काम जो है शुरू हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मशीनें जो हैं रोड पक्का करने के लिए जा रही हैं। तो अभी यहाँ पीछे जैसे से जो है रोड पक्का किया जाएगा और यहाँ पे मटेरियल का ट्रक भी जो है आ चुका है। तो ये मटेरियल का ट्रक जो है इस मशीन के आगे अपना मटेरियल डालेंगे और ये मशीन जो है पूरा रोड में जो है मटेरियल को बिछाएगी। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे जो है मटेरियल बिछाया जाता है रोडों में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे घर के पास जो है इस समय रोड पक्का हो चुका है और यहाँ पे रोड रोलर चल रहा है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। इस तरह से जो है रोड पक्का किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड को भी जो है रोड पक्का कर दिया गया है और अभी आगे जो है मशीनें लगी हुई हैं और रोड को पक्का किया जा रहा है।
जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, बहुत तेजी से जो है रोड का काम चला हुआ है और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है ट्रक मटेरियल के आ चुके हैं और बहुत सारा मटेरियल जो है बिछाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी मशीनें लगी हुई हैं और रोड को पक्का कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं अब कितना प्यारा लग रहा है रोड देखने में, और बहुत सारे दर्शक लोग भी यहाँ पे रोड को देखने के लिए आए हुए हैं और बहुत शानदार लग रहा है इस समय हमारा रोड। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के पास जो है अभी रोड रोलर चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है इस समय यहाँ पे मटेरियल डाला जा रहा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो अब हमारा रोड कितना अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है मटेरियल डाल दिया गया है और रोड की टायरिंग जो है कर दी गई है। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं कब तक जो है ये मटेरियल टिकता है और कब तक जो है बना रहता है। अभी इसमें जब गाड़ियां चलेंगी, बसें चलेंगी, तब उसके बाद इसका अच्छे तरीके से टेस्ट होगा कि ये जल्दी निकल जाता है या अपना जो टाइम पीरियड है उसको पूरा कवर कर पाता है। तो अभी ये देखना बाकी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे स्प्रे की जा रही है और ये मशीन आ गई है, इसके द्वारा जो है यहाँ पे मटेरियल डाला जाएगा और मटेरियल के बहुत सारे ट्रक जो हैं यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है रोड को पक्का किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आजकल ऑटोमेटिक जमाना है, तो अभी देख सकते हो आपकी मशीन अपने आप यहाँ पे जो है मटेरियल डाल रही है और जहाँ पे कमी रह रही है वहाँ पे जो ये वर्कर्स हैं ये मटेरियल को जो है बिछा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है मशीन अपने आप इस मटेरियल को एक बराबर बिछाती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो किस तरह से जो है इस समय रोड की टायरिंग का काम चला हुआ है, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय ट्रक जो है मशीन में सारा मटेरियल डाल रहा है और मशीन जो है रोड में सारा मटेरियल बिछा रही है। दोस्तों इस समय रोड रोलर जो है रोड के ऊपर चल रहा है और रोड को पक्का करने के लिए इसके ऊपर रोड रोलर को चलाया जा रहा है और इस साइड आप लोग देख सकते हैं मशीन में अभी भी मटेरियल डाला जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत जोरों शोरों से जो है यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है और एक और ट्रक जो है मटेरियल का आ चुका है और अभी जो है मशीन में मटेरियल डाला जा रहा है और बहुत सारे ट्रक जो हैं आज मटेरियल के आए। फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस समय जो है सिलिकॉन डाला जा रहा है और उसके ऊपर जो है रोड रोलर चलाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितने लंबे समय के बाद जो है यहाँ पे रोड का काम चला हुआ है और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जो है रात को भी काम किया जा रहा है।
तो रोड की टायरिंग का काम अभी भी रात में भी चला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 35 साल पहले जो है ये रोड निकाला गया था ऊपरी साइड का, और उसके बाद जो है इतने लंबे समय के बाद यहाँ पे रोड का काम जोरों से चला हुआ है और बहुत से वर्कर्स जो हैं यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। आया कर दो। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे जो हैं दोस्त लोग यहाँ पे काम में लगे हुए हैं, आगे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। फाइनली दोस्तों इस समय हम अपने रोड का सर्वे करने जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं, और अभी अक्षु भाई मेरे साथ हैं। अक्षु भाई आए कीजिए, तो अभी हम आप लोगों को भी रोड दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं। अपना रोड पक्का। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा रोड जो है पक्का हो चुका है, और अभी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है तो मैंने कैप लगा ली है। तो अक्षु भाई अभी जो है स्कूटी चला रहे हैं, देखो यार। तो आती वक्त अक्षु भाई मैं चलाऊंगा भाई, चुपचाप बैठा भी चाहिए। तो अक्षु भाई मेरे को धमकी दे रहे हैं कि चुपचाप बैठा भी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है रोड, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना प्यारा, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब 35 साल जो है इस मतलब लिंक को निकले हुए हो गए हैं, और उसके बाद जो है आज हमारा रोड पक्का हो चुका है, तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे घर तक जो है 35-40 साल पहले जो है रोड निकल गया था नीचे तक, पर फाइनली अब जो है रोड पक्का हो चुका है, तो काफी खुशी हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो करते हैं पे एंड। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।